हेलो गाइस, आ गए हैं फिर से एक नए वीडियो में। आज हम इस वीडियो में इंस्टाग्राम की स्टोरी और पोस्ट को कैसे प्रमोट करें या अपनी प्रोफाइल की रीच को कैसे बढ़ाएं, इस वीडियो में बात करने वाले हैं। डायरेक्ट हम इस वीडियो में अपने पोस्ट को कैसे प्रमोट करना है, अपने प्रोफाइल को कैसे प्रमोट करना है, इस वीडियो में आज हम बात करेंगे। ठीक है, तो देखिए, आप अपने इंस्टाग्राम की जो प्रोफाइल है उसको आप दो टाइप से आप प्रमोट कर सकते हैं, एक होता है ऑर्गेनिक और एक होता है पेड। तो आज हम जिस टाइप के बारे में बात करने वाले हैं वो है पेड प्रमोशन। ठीक है, आप पेड प्रमोशन करके अपने पोस्ट पे, अपने स्टोरीज पे रीच पा सकते हैं और अपने फॉलोअर को बढ़ा सकते हैं। तो डायरेक्ट फालतू की बात नहीं करेंगे, हम आपको लेके चलते हैं अपने मोबाइल की स्क्रीन के ऊपर में। तो डायरेक्ट आप देखिएगा, मैं सबसे पहले आपको बता देता हूँ कि अपने प्रोफाइल को ओपन करना है और आपका जो प्रोफाइल है वो प्रोफेशनल या फिर बिजनेस अकाउंट होना चाहिए। अगर आप अपने प्रोफाइल को जो है पर्सनल अकाउंट में रखे हुए हैं तो आप वहाँ से आप अपने प्रोफाइल को प्रमोट नहीं कर पाएंगे। तो इसके लिए आपको ज़रूरी है कि आपका जो प्रोफाइल है वो प्रोफेशनल या फिर बिजनेस अकाउंट होना चाहिए। तो अगर आपको प्रोफेशनल या फिर बिजनेस अकाउंट को स्विच करना नहीं आता है तो उसके ऊपर मैं एक और वीडियो बना दूंगा, फिर हम प्रमोट कैसे करें उस बारे में देखते हैं। तो चलिए मोबाइल की स्क्रीन के ऊपर में, तो मैंने ये अपना इंस्टाग्राम प्रोफाइल ओपन कर लिया है। तो यहाँ पर देखिए कि यहाँ पे प्रमोशन का ऑप्शन आ रहा है, प्रमोशन का ऑप्शन आ रहा है। तो आप यहाँ पे प्रमोशन पर क्लिक करेंगे। प्रमोशन पर क्लिक करने के साथ आपको जो टॉप पोस्ट है आपका, जिसमें आपको ज़्यादा लाइक वगैरह मिले हैं या फिर रीच जिसका ज़्यादा मिला है, वो आपको पोस्ट सामने में आ जाएगा। तो यहाँ पर लिखा है, देखो, प्रमोट टॉप पोस्ट, आप इसे प्रमोट कर सकते हैं या फिर आप जो पोस्ट है उसको चूज़ कर सकते हैं जिसको आपको प्रमोट करना है। ठीक है, तो यहाँ पर मेरे कुछ पोस्ट यहाँ पे हैं जो सामने में आ रहे हैं, लेकिन मैं जो है ये वाले पोस्ट जो इसमें टॉप जो है रिच मिला है उसको प्रमोट करना चाहता हूँ। तो ये मैंने टॉप पोस्ट पर जो है क्लिक किया, तो देखिए यहाँ पर तीन जो है पॉइंट आ रहे हैं, मोर प्रोफाइल विजिट, मोर वेबसाइट विजिट, मोर मैसेजेस। आप किस चीज़ को प्रमोट करना चाहते हैं वो आप चूज़ कर लीजिए। तो मैं अपने प्रोफाइल विजिट पे क्लिक करता हूँ और इसे आगे बढ़ाता हूँ। आइडियाज़ आप सेलेक्ट कर सकते हैं, ऑटोमेटिक कैटेगरी में आप सेलेक्ट कर सकते हैं कैटेगरी वाइज किस कैटेगरी को आप दिखाना चाहते हैं। तो मैं यहाँ पे खुद से आप क्रिएट कर सकते हैं किस कैटेगरी को आप दिखाना चाहते हैं। तो ये देखिए, यहाँ पे 13 से 65 साल की उम्र के लिए आपका जो है कैटेगरी में आप आ जाएंगे। तो आप यहाँ से सेलेक्ट कर सकते हैं, इसे कम ज़्यादा कर सकते हैं। तो हम 13 से 30 के बीच में दिखाना चाहते हैं, तो ये हम आगे बढ़ा देते हैं। ठीक है, अगर आप ये नहीं बढ़ाना चाहते तो डायरेक्ट ऑटोमेटिक भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होगा। लेकिन बस इससे एक दिक्कत ये है कि रीच जो है वो ज़्यादा लोगों तक आपके हिसाब से नहीं पहुँच पाएगी। अगर आप अपना खुद से जो है कैटेगरी क्रिएट करते हैं तो वो अधिकतर चांसेस है कि ज़्यादा लोगों तक पहुँचे। तो चलिए हम इसे फिलहाल समझाने के लिए ऑटोमेटिक पे ही बढ़ा देते हैं। फिर आपका जो आ जाता है बजट, डायरेक्ट बजट वाला सेक्शन आ जाता है। अब आप इसमें देख सकते हैं कि आप मिनिमम 80 रुपये से पर डे के हिसाब से लगा के आप जो है पर डे के हिसाब से 40,000 रुपये तक पर डे लगा सकते हैं, लेकिन इतना अमाउंट आपको लगाना नहीं है। मैं आपको सजेस्ट करूँगा कि आप अगर फर्स्ट बार आप अगर प्रमोशन कर रहे हैं तो 80 रुपीज़ वाला ही करिए। 80 रुपीज़ के लिए आप 2 दिन के लिए पहले चला के देख लीजिएगा। ठीक है, 2 दिन के लिए पहले चला के आप देख लीजिएगा, एक दिन भी नहीं चलाना, क्योंकि एक दिन में ऐसा होता है कि लो बजट यू मे नॉट गेट रिजल्ट, मतलब आपको रिजल्ट अच्छे नहीं मिलेंगे एक दिन में। तो कम से कम आप 2 दिन वाला ही प्रमोशन करिएगा और 80 रुपीज़ वाला पहले चला के देख लीजिएगा। चलो ये सब चीज़ हो गया, आगे बढ़ाते हैं इसको। अब देख सकते हैं ये यू आर ऑल सेट करके आपको ये रिव्यू आ जाता है। फिर आप यहाँ से क्रिएट प्रमोशन करके आप आगे बढ़ा सकते हैं। पेमेंट मेथड आएगा लास्ट में, फिर ये आप जहाँ से भी देना है, डेबिट कार्ड, UPI, पेमेंट, नेट बैंकिंग, वहाँ से आप दे सकते हैं, है ना। तो मैं इसे UPI से बढ़ा देता हूँ ये। फिर ये पेमेंट मेथड करके आ गया है। ठीक है, तो आप ऐसे अपने स्टोरी पोस्ट को आप प्रमोट कर सकते हैं। आपको अगर बिजनेस या फिर प्रोफेशनल अकाउंट बनाना नहीं आता है तो नेक्स्ट वीडियो इसके ऊपर बना के दूंगा मैं। तो अभी के लिए बस इतना ही। स्टोरी या फिर पोस्ट या फिर प्रोफाइल कैसे प्रमोट करें, इस वीडियो में आज हमने जाना है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।